और आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के झारखंड दौरे का दूसरा दिन है, सीधे रुख करेंगे रांची। निर्णय लेने की क्षमता पर लकवा मार गए, उसकी जगह एक निर्णायक सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को किया है। अगले 10 साल के शासन के बाद देश के हर व्यक्ति के मन में आशंका थी कि भारत का भविष्य क्या है, और मोदी जी के 3 साल के शासन के बाद देश के हर व्यक्ति के मन में ये दृढ़ विश्वास है कि भारत सही रास्ते पर चल रहा है। 3 साल में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अर्थव्यवस्था में हर मानांक में सुधार हुआ है। शेयर बाजार आज अपने ही रिकॉर्ड खुद ही रोज तोड़ने का प्रयास कर रहा है। महंगाई विगत 15 सालों में सबसे नीचे स्थान पर पाई गई है। पूरी दुनिया मान रही है कि भारत की अर्थतंत्र सबसे तेज गति से बढ़ने वाले अर्थतंत्रों में से एक। मित्रों, जब ये सरकार का गठन हो रहा था, सारे सांसद एनडीए के मोदी जी को नेता चुनने की प्रक्रिया कर रहे थे, और चुने जाने के बाद मोदी जी ने प्रतिभाव में कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, आदिवासियों की होगी, दलितों की होगी, पिछड़ों की होगी, गांव की होगी, किसान की होगी, महिला और युवाओं की सरकार होगी। और इस सरकार ने 3 साल तक ढेर सारे कदम ये सभी क्षेत्रों को उठाने के लिए किए। जनधन योजना के तहत लगभग 29 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। आज देश में करीब करीब ऐसा कह सकते हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बैंक अकाउंट उपलब्ध नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत 2,80,00,000 महिलाओं को, ग्रामीण गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया गया है। करोड़ों लोगों को बीमा सुरक्षा के तहत सुरक्षा चक्र देने का काम किया गया है। 22 रुपया और 300 रुपया जैसी कम से कम प्रीमियम में 2,00,000 रुपये के एक्सीडेंट बीमा और लाइफ इंश्योरेंस देने का काम किया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7,64,00,000 लाभार्थियों को स्वरोजगारी के लिए 10,000 से लेकर 10,00,000 तक का लोन विदाउट एनी गारंटर देने का काम किया है। 4.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीब के घर में गरीब महिलाओं के और बच्चियों के लिए सम्मान से जीने का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आजादी के बाद 19,000 गांव 65 साल तक ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं पहुंच पाई थी, उनमें से 14,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया है। और मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा। 2022 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जीएसटी जो कभी काल्पनिक बात लगा करती थी, आज जीएसटी वास्तविकता बनकर आज लोगों के सामने है। इतने बड़े देश में एक देश एक कर का स्वप्न साकार हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश की प्रतिरक्षा के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, ये हमने सिद्ध किया है। और इसके कारण दुनिया में देश को देखने का नजरिया बदला है। अमेरिका के बाद अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपने जवानों के सम्मान के लिए और देश की सीमा में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला पहला देश भारत बना है। वन रैंक वन पेंशन का मामला जो 50 साल से लंबित था, उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक ही साल में
8,500 करोड़ से ज्यादा रुपया सीधा रिटायर्ड जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया। इसरो के वैज्ञानिक, देश आजाद हुआ तब से इसरो बना तब से बहुत अच्छा काम करे, पूरी दुनिया हमारे वैज्ञानिकों का लोहा मानती, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अवकाश के अंदर स्थित किया और आज अवकाश स्पेस की दुनिया में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। प्रगति योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं लंबित पड़े हुए ढेर सारे मसलों को उसकी विवेचना करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं और हर्डल्स को दूर कर गति देने का काम करते हैं। देश का प्रधानमंत्री हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी से बात करे, इस प्रकार का अनुभव आजादी के बाद पहली बार आ रहा है। काले धन के मामले में SIT गठित करना, नोटबंदी का फैसला, उसके बाद में बेनामी संपत्ति का कानून कठोरता से बनाना, 2 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों को बंद कर देना, शत्रु संपत्ति एक्ट लेकर आना और पॉलिटिकल फंडिंग को 20,000 से घटाकर 2,000 तक पहुंचाना, मैं मानता हूं बहुत बड़े कदम, श्रेणीबद्ध कदमों की श्रृंखला नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाई। पेरिस जलवायु परिवर्तन ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दुनिया में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनकर आगे ले गया है। एक ही साल में 91 लाख नए करदाता आजादी के बाद पहली बार जुड़े हैं। 91 लाख से ज्यादा लोगों ने एक वित्तीय साल में पैन रजिस्ट्रेशन करा है। इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या आजादी के 65 साल बाद 3.2 करोड़ थी और 3 ही साल में वो संख्या बढ़कर 6.2 करोड़ हुई। यही बताता है कि काले धन पर कितनी सख्ती की गई। भीम ऐप और डिजिटल ट्रांजेक्शन की दुनिया में विश्व का सबसे लोकप्रिय ऐप बनकर उपसा है। जेनरिक दवाओं के माध्यम से देश के हर गरीब को अपना स्वास्थ्य की रक्षा करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हृदय में स्टेंट रखने का समय आए या घुटने बदलाने का समय आए, गरीब से गरीब व्यक्ति सम्मान के साथ अपना काम कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने में सफलता की। सॉइल हेल्थ कार्ड, रिलीफ में बढ़ोतरी, नीम कोटेड यूरिया, यूरिया की उपलब्धि, यूरिया के भाव में कमी, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, ई मंडी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक श्रेणीबद्ध कदमों के माध्यम से आज 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।